ना हो तो हम कैसे बनाएंगे? समझिए, अगर हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, बहुत इजी होता है, बिल्कुल इसमें डरने वाली जरूरत नहीं है। समझिए, अगर हम बात करते हैं केवल लीनियर की, अभी मैंने बताया लीनियर पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस हो सकते हैं? लीनियर है तो एक्स पावर वन होगी, मतलब एक्स का सिर्फ एक जीरो हो सकता है। तो अगर मान लीजिए ये तो आपकी वाई एक्सिस होती है, ये क्या होती है आपकी एक्स एक्सिस होती है। अगर हम एक ग्राफ हम मैं आपको दे दूं और यहां बता दो यहाँ वन है, यहाँ टू है, इधर -1 है, तो इस ग्राफ को देख करके ही आप बता सकते हैं कि ये इसमें एक्स की, बेटा अब देखिए मान लीजिए आपकी वैल्यू है वाई इज इक्वल टू एक्स -1, ये इक्वेशन है, तो एक्स की वो वैल्यू जो आप पुट करें तो क्या हो जाए, y जीरो हो जाए। x की वो वैल्यू पुट करिए जिसमें y जीरो हो जाए, तो बेटा वो सिर्फ एक वैल्यू है क्योंकि ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। x की वो वैल्यू पुट करिए जिससे ये क्या हो जाए पूरा जीरो हो जाए, तो हमको क्या पता है अगर वन में से वन जाएगा तभी जीरो आएगा, बाकी आप कुछ भी लिख लें, आप -1 लिख दें तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो x की वो वैल्यू जहां पे क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो बेटा अगर ये इक्वेशन है, अगर ये ग्राफ बना है, तो बेटा हमको क्या दिख रहा है, ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है ना, और कहीं तो कट नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसा पॉइंट है जहां पे वाई क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। ये एक लाइन गई है, इस पॉइंट पे वाई क्या है जीरो है, क्योंकि बेटा वाई तो ये होता है ना, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता तब होता है ना, बाकी सब जगह देखिए वाई जीरो से बड़ा है, लेकिन यहां एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाई क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, तो यही इसका जीरो है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाए कितने हैं, एक, नंबर ऑफ जीरोस वन है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, नहीं समझ में आएगा तो। बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर इसकी ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ बेटा कुछ ऐसे बनता है, मैंने बताया था अभी क्वाड्रेटिक में थोड़ी देर पहले कितने जीरोस आते हैं, दो जीरो आते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, आपको ऐसे लिखा है, आपको ये ग्राफ दे दिया गया, कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस बताइए, जब आपने कभी पढ़ा नहीं तो आप क्या सकते नंबर ऑफ जीरोस क्या है। लेकिन ये एक्स, अब देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करा है जहां पे वाई जीरो हो रहा है, एक जगह यहां कट करा है, यहां वाई जीरो, एक जगह यहां, तो नंबर ऑफ जीरोस टू हुए। नंबर ऑफ जीरोस टू किसमें होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक, यही तो होता है बेटा। अगर हम क्यूबिक की बात कर लें, क्यूबिक की बात कर लें, अब ये अगर ग्राफ दिया है तो आपसे केवल इतना पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस क्या है। आपने देखा एक्स कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक बार ये -2 पे जीरो हो रहा है, एक बार 2 पे जीरो हो रहा है, एक बार 4 पे जीरो हो रहा है ना, तो तीन बार जीरो हो रहा है, मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपसे पूछ सकते हैं ग्राफ देखिए किसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 2 3, इसमें तीन नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ग्राफ देखकर के क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि तीन जगह कट कर रहा है। इसकी आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ठीक। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करना हो, इतना अगर आपको समझ में आ गया, मैंने एक बार बताया कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स की वो वैल्यू जहां पे वाई जीरो हो जाए, एक जगह हो रहा है तो लीनियर है, एक्स की वो वैल्यू जहां पे वाई जीरो हो जाए, ये आपका हमेशा एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो वो दो वैल्यू है, वहां पे वाई आपका जीरो हो रहा है, एक्स की वो वैल्यू जहां पे वाई जीरो हो जाए इसमें तीन है, ठीक। अब बेटा ये तो आप समझ गए कि इसको देख के बता देंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, क्या अभी आप ये बता पाएंगे कि अगर आपको इस तरह ग्राफ दिया है, क्वेश्चन नहीं दी है, तो जीरोस हैं क्या? आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आप देखिए कैसे बना सकते हैं, अभी मैं यहां पे लिख दिया था आंसर, अब देखिए इसी से अगर ये दिया है तो आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो बेटा एक्स इक्वल टू, यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू वन रखने पे वाई की वैल्यू क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी ना, एक्स की वैल्यू वन रखने पे, तो इसको इधर ले आइए, देखिए इसका क्या होगा,
ये पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस वन, ये लीनियर है। अभी मैंने क्या लिखा था y इक्वल टू, थोड़ी देर पहले ध्यान रखिए, तो x माइनस वन ही लिखा था। अब इसमें x की वो वैल्यू बताइए जहां पे y जीरो हो रहा है, तो एक आपको पता है x इक्वल टू टू है और एक x इक्वल टू फोर है, तो यहां से बेटा क्या बन सकता है इसका फैक्टर, इधर आएगा तो ये x माइनस टू हो जाएगा, ये इधर आएगा फोर, तो x माइनस फोर। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो आपकी वो इक्वेशन तैयार हो जाएगी कैसे, एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स प्लस एट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन ये दिया है। अगर आप इसमें x ये वैल्यू पुट करें तो टू और फोर पुट करेंगे तो हमेशा जीरो हो जाएगी, उसके अलावा आप कुछ भी पुट कर दीजिए इसमें ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। तो बेटा देखो ये प्रोसेस हमने सीखा है, ये वैल्यू दी रहती थी तो इसको फैक्टर करके ऐसे हम निकालते थे, अभी मैंने इसको जस्ट उल्टा रिप्रेजेंट किया है, आप ग्राफ भी समझ रहे हैं ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, समझ लीजिए ये आपको आगे चल के जब आप कंपटीशन एग्जाम देंगे तो वहां आपके बहुत काम आएगी। अब इसमें क्यूबिक है, इसमें पूछ लिया जाए कि वो जीरोस क्या है, तो आप लिखेंगे एक जगह तो आपको क्या मिल रहा है x इक्वल टू, यहाँ क्या मिल रहा है माइनस टू मिल रहा है, एक जगह x इक्वल टू टू मिल रहा है, एक जगह x इक्वल टू फोर मिल रहा है, तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे इधर आएगा माइनस टू इधर आएगा तो प्लस टू, ये टू इधर आएगा तो माइनस टू एंड फोर इधर आएगा माइनस फोर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी वो क्यूबिक इक्वेशन तैयार हो जाए जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। बेटा मैंने इसीलिए बेसिक को फिर से मैं पढ़ा रहा हूं, आप क्वेश्चंस का सलूशन मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर इंग्लिश में ज्यादा हो गया है, नहीं समझ में आया है, आई नो मुझे अपने सारे स्टूडेंट को साथ में लेके चलना है। इंग्लिश में कितना बोला जाए ये जरूरी नहीं है, हमको मैथ कितनी समझ में आ रही है ये जरूरी है, क्योंकि मैथ जिसको समझ में आ गई वो आगे निकल गया, बेटा जिसको नहीं आई वो आज भी इसमें परेशान है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो नहीं समझ में आता है। तो जिनको नहीं आ रही है वीडियो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम होती है ग्रुप से मेरा मैसेज नंबर लीजिए, आप मुझको मैसेज करिए, पूछिए सर कि हाँ ये अगर ऐसे हो जाता तो क्या करते, आप उसे पूछिए, मैं आपको उसमें आंसर आपको दूंगा ठीक है। लेकिन जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तब तो पूछेंगे, उसके लिए आपको पहले वीडियो देखनी पड़ेगी। आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ में आया होगा ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, बेटा कुछ और टर्म्स हैं क्लास नाइन्थ स्टैंडर्ड में कि अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मैंने बताया था ना पॉलिनोमियल, पॉली मींस मेनी, नॉमियल मींस टर्म्स, तो टर्म्स क्या होते हैं, एक होता है मोनोमियल। हमको किसी की डिफिनीशन नहीं याद करनी है, आप कॉपी में डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन हमारा मैथ्स में ये बेटा देखो मैथ्स अगर तुम रटोगे तो जिंदगी भर रटते रह जाओगे, कभी कुछ नहीं समझ में आएगा। इसी में फैक्टराइजेशन है, मैंने ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो मेरी ट्रिक वाली वीडियो जाकर के मेरे चैनल पे जाकर के आप ट्रिक वाली वीडियो देखिए, और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो एक बार देखिए, रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, उसको दो बार लिखिए, तीसरी बार आपको ना याद हो तब मुझे फोन करिएगा कि सर अभी भी मुझे नहीं याद हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली दो बार देखिए और फिर उसके बाद दो बार उसको लिखिए, उसके बाद देखिए आपको कैसे नहीं याद होता है। और समझ के याद करिए बेटा, मैथ समझ के पढ़ने वाली चीज है, कभी भी याद करके मत पढ़िए, कोई कहता भी है तो याद करके मत पढ़िएगा, याद करके पढ़ना मतलब आप जान लीजिए अपना भविष्य खराब कर रहे हैं मैथ्स में, मैथ्स हमेशा समझ के पढ़िएगा। चलिए बायनोमियल की बात करें, सुना होगा आपने ये सब एट क्लास में भी है, क्या मोनोमियल बायनोमियल ट्राइनोमियल, क्या होता है मोनोमियल बेटा, जिसमें एक टर्म होता है, मतलब जैसे लिखा है एक्स एक टर्म है मोनोमियल, एक्स स्क्वायर एक ही टर्म तो है, हमको डिग्री से नहीं मतलब है इसमें, कंफ्यूज में तो ये डिग्री एक्स स्क्वायर एक ही टर्म तो है, एक्स स्क्वायर वाई एक ही टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई क्या है मोनोमियल है ना बेटा, एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर वाई जेड एक ही टर्म है, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई जेड एक ही टर्म है मोनोमियल, दो टर्म होंगे बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा, बायनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इट इज अ बायनोमियल, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इट इज अ बायनोमियल, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इट इज अ बायनोमियल, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव एक्स वाई इट इज अ बायनोमियल, दो ही टर्म तो है ट्राइनोमियल,
तीन टर्म होंगे, सिंपल से आपको डिफिनेशन थोड़ी ना रटनी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इफ यू राइट एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, इट इज ऑल्सो ट्राइनोमियल, तीन ही टर्म है, ठीक है, फाइव एक्स क्यूब वाई प्लस वन अपॉन फाइव तो भी क्या है, ट्राइनोमियल है, इसमें अगर आप चौथा टर्म एड करेंगे तब ट्राइनोमियल नहीं रहेगा, तो मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। मेन जो था लीनियर क्वाड्रेटिक था वो मैंने आपको बता दिया है, क्लास 10 के स्टूडेंट आपकी भी वीडियो बन गई है, आप बेसिक वाला देख लीजिए, बाकी जब आपको जो मेन वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आप बेसिक थोड़ा सा है, यही चीज मैंने उसमें भी ग्राफ